नमस्कार, माँ गायत्री महाविद्यालय चुभला में आपका हार्दिक अभिनंदन। पिछली क्लास में हमने मीराबाई के पदों का अध्ययन किया। इसके बाद हम आज यूनिट थर्ड पढ़ेंगे और यूनिट थर्ड में हम आज नरोत्तम दास के बारे में और उनके कुछ महत्वपूर्ण पद्यों के बारे में, उनके जीवन काल और उनके उनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। नरोत्तम दास। तो सबसे पहले हम उनके जीवन के बारे में कुछ सब जान लेते हैं। इनका जन्म, नरोत्तम दास का जन्म 1550 विक्रम संवत के अनुसार, विक्रम संवत के अनुसार स्थान उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले के गांव मिश्रोली के अंदर हुआ। स्थान ग्राम मिश्रोली बाड़ी में हुआ। जिला सीतापुर। जो पड़ता है यूपी के अंतर्गत। और इनकी जो प्रमुख भाषा थी, भाषा शैली जिस जो थी, इन्होंने अपने जो रचनाएं जो की हैं वो इन्होंने ब्रज भाषा के अंदर की। ब्रज भाषा के कवि हैं। और कुछ विद्वानों ने इनके जन्म के बारे में कुछ मतभेद भी सामने आए हैं। उसी में कुछ एक विद्वान जॉर्ज ग्रियनसन के अनुसार, जॉर्ज ग्रियनसन के अनुसार इनका जन्म काल 1610 माना है। 1610 माना है। और ये कान्यकुब्ज ब्राह्मण समाज से आते हैं। ये कान्यकुब्ज ब्राह्मण थे। इनकी प्रमुख रचनाओं में सुदामाचरित, ये जो खंड काव्य है, प्रमुख रचनाएं सुदामाचरित ये खंड काव्य है इनका। खंड काव्य इनकी अन्य रचनाओं में है विचारमाला, ध्रुवचरित, नाम संकीर्तन आदि। इन्होंने अपने काव्य के अंदर निम्न छंदों का प्रयोग किया है। वो छंद है दोहा, कवित्व,
सेवैया, और कुंडली। इन छंदों का इन्होंने विशेष अपने साहित्य के अंदर प्रयोग किया। सुदामा चरित्र एक खंड काव्य है। सुदामा चरित्र के बारे में कहा जाता है कि सुदामा चरित्र एक खंड काव्य है जो ब्रज भाषा में लिखा गया है और सुदामा के चरित्र का वर्णन किया गया है। सुदामा श्री कृष्ण के घनिष्ठ मित्र थे, दोनों एक ही साथ अपने गुरु के आश्रम में अध्ययन करते थे, तभी से वो उनकी मित्रता बहुत घनिष्ठ थी। और सुदामा एक गरीब ब्राह्मण था और जो भगवान श्री कृष्ण के शरण में आने के बाद जिसका उद्धार भगवान श्री कृष्ण ने किस प्रकार से किया था उसमें सुदामा चरित्र जो नरोत्तम दास जी द्वारा लिखा गया है उसमें उसका पूरा वर्णन किया गया है। उसमें सुदामा के चरित्र का चित्रण कवि ने यहाँ पर किया है। ध्रुव चरित्र 28 छंदों का रसवती पत्रिका में इसको प्रकाशित किया गया था, जो 1968 का एक अंक था उसमें ये प्रकाशित हुआ था। और इनकी जो मृत्यु है, इनकी मृत्यु 1605 में हुई, इनकी मृत्यु हुई 1605 में, इनका स्वर्गवास हो गया। 1550 में इनका जन्म हुआ और 1605 में इनकी मृत्यु हो गई। तो देखिए, नरोत्तम दास जी का जन्म हुआ था 1550 विक्रम संवत के अनुसार, स्थान ग्राम मिस्टोली बाड़ी, जिला सीतापुर, यूपी के अंदर हुआ। और इनकी जो भाषा थी वो ब्रजभाषा थी। जॉर्ज ग्रेसन के अनुसार इनका जन्मकाल 1610 माना जाता है और ये कान्यकुब्ज ब्राह्मण थे। कौन से समाज से आते थे? कान्यकुब्ज ब्राह्मण थे। प्रमुख इनकी रचनाएं सुदामा चरित्र थी जो एक खंड काव्य है और ये हिंदी साहित्य का एक अनुपम ग्रंथ है, बहुत ही बढ़िया शानदार। और इनकी जो विचार और अन्य रचनाओं में इनकी विचारमाला है, ध्रुव चरित्र है और नाम संकीर्तन है, ये अभी उपलब्ध नहीं है। लेकिन विचार और इनका जो छंद थे, प्रमुख छंद जिनको इन्होंने प्रयोग किया है, दोहा है, कविता है और सेवैया और कुंडली छंद है। और इनकी मृत्यु 1605 में हो गई थी। तो ये तो रहा नरोत्तम दास जी का जीवन परिचय। अब इनके कुछ पद्यों के बारे में हम अध्ययन करेंगे जो हमारे परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आइए भाई, पहला है, पहले पद्य में कवि ने, नरोत्तम दास जी ने सुदामा चरित खंड काव्य से इसको अवतरित किया है। और इसमें सुदामा ने भगवान का भजन करने और धर्म सहित जीवन यापन करने की बात कही है। तो सुबुद्धि कृष्ण की विशेषता का उल्लेख करते हुए कहते हैं कि आपके द्वारिका जाने पर वे आपकी गरीबी को दूर कर देंगे। यहाँ पे सुदामा का एक अलग चरित्र हो रहा है और उनकी जो पत्नी है सुबुद्धि, उनका अलग चित्रण यहाँ पर कवि ने किया है। तो देखिए, लोचन कमल दुख लोचन तिलक भाल, स्त्रवनी कुंडल मुकुट धरे बात है, ओढ़ पीत बसन घरे में बेजंती माल है, शंख चक्र गधा और पद्य धरे हाथ है, कहत नरोत्तम सुन संदीपन गुरु के पास, तुमो कहत हम पड़े एक साथ है, द्वारिका गए हरिदारिद हरेंगे प्रिय द्वारिका, नाथ वे अनाथ के नाथ है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, सुदामा की पत्नी सुबुद्धि सुदामा से कहती है, कमलनयन है कमलनयन, भगवान दुख दूर करने वाले हैं, माथे पर तिलक, कानों में जिन्होंने कुंडल धारण कर रखा है, लोचन कमल दुख मोचन तिलक भाल है, मतलब वो दुखों का मोचन करने वाले, दुखों से पार लगाने वाले कौन है, जिनके लोचन, जिनकी आंखें कमल के समान है, कमल नयन है, और तिलक भाल, तिलक जिन्होंने अपने सिर पर तिलक लगा रखा है, और कानों में कुंडल जिन्होंने धारण कर रखे हैं, स्त्रवननी कुंडल मुकुट धरे मात है, और क्या कर रखा है, कानों में जिन्होंने कुंडल धारण कर रखा है, सिर पर मुकुट धारण कर रखा है ये, और पीले वस्त्र जिन्होंने धारण कर रखे, ओढ़ पीत बसन गरे में बेजंती माल है, और जिन्होंने क्या धारण कर रखा है, पीले वस्त्र पहन रखे हैं, ओढ़ रखे हैं, और गले में एक बेजंती माला है ना, सुंदर पुष्पों की माला जिन्होंने
धारण कर रखी है और हाथों में गदा और चक्र कमल धारण करने वाले हैं। क्या क्या धारण कर रखा? शंख चक्र गदा और पद्य धरे हाथ है। तो यहाँ पे भगवान की मूर्ति का चित्रण करते हुए कवि वो कहती है कि उनके हाथों में क्या क्या है? शंख चक्र गदा और पद्य धरे हाथ है। उन्होंने शंख को धारण कर रखा है, चक्र जिनके हाथ में, गदा जिनके हाथ में है और पद्य धरे हाथ है और कमल पर जिन्होंने अपने पैरों को रख रखा है। और देखिए, आप कहते हैं कि संदीपन गुरु के पास आप साथ साथ पड़े हैं। सुदामा की पत्नी सुदामा जी से कहती है, कहत नरोत्तम नरोत्तम संदीपन गुरु के पास। नरोत्तम कवि कहते हैं कि सुदामा की पत्नी सुदामा जी से कहती है कि आप बार बार कहते हो कि श्री कृष्ण मेरे परम मित्र हैं और हम दोनों एक ही आश्रम में हम दोनों ने अध्ययन किया है, तो जरूर वो आपकी गरीबी को दूर कर देंगे। क्या कहती है? देखो, तुमहु कहत हम पढ़े एक साथ हैं। तुम कहते हो कि हम दोनों एक साथ ही पढ़े हैं, एक ही क्लास में पढ़े हैं और एक ही सत्र में हमने पढ़ाई की है ना, और हमारे गुरु भी एक ही है। द्वारिका गए हरि दारिद हरेंगे पिए। वो कहते हैं कि आप द्वारिका जाइए, अर्थात वो हमारे दरिद्रता अर्थात हमारी गरीबी का हरण कर लेंगे, अर्थात हमें इस गरीबी के से मुक्ति दिला देंगे। द्वारिका के नाथ वे अनाथन के नाथ हैं। वो क्या कहते हैं? भगवान श्री कृष्ण द्वारिका के नाथ हैं, वो अनाथों के भी नाथ हैं, अर्थात अनाथों का उद्धार करने वाले हैं, गरीबों का उद्धार करने वाले हैं, तो वो आपकी गरीबी को भी अर्थात हमारी गरीबी को भी दूर कर देंगे। तो हे प्रभु, आप उनकी शरण में जाइए, क्योंकि आप बार बार कहते हैं कि श्री कृष्ण मेरे परम मित्र हैं, तो आपकी बात को वो जरूर सुन लेंगे और हमें इस गरीबी के संकट से बाहर निकाल लेंगे। सुबुद्धि सुदामा से कहना चाहती है कि कृष्ण आपका दुख दूर जरूर दुख दूर करेंगे, इसके कई आधार हैं, इसके बारे में आपको संदेह नहीं होना चाहिए, क्योंकि श्री कृष्ण के पास जब आप जाओगे तो आपको कभी भी मना नहीं करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, सुबुद्धि ने पत्नी होने के कारण कष्ट पाले हुए अपने पति हितकारी सुझाव दिया है ना। दूसरा है इसमें संवाद शैली है। संवाद शैली का मतलब होता है आपस में बातचीत होना, संवाद शैली का प्रयोग किया है यहाँ पर कवि ने। आपस में चर्चा हो रही है दोनों के बीच में, संवाद शैली। अगला देखिए इसमें क्या है। भागवत पुराण में सुदामा की पत्नी का नाम सुशीला बताया गया है और बुद्धि संगत बातें सुझाव देने से सुदामा को द्वारिका जाने के लिए प्रेरित करने के लिए दृष्टि से कवि ने यहाँ पर उसको सुबुद्धि कहा है। भाषा में लाटा अनुप्रास अलंकार है और चित्रात्मकता है। अनुप्रास अलंकार का यहाँ पर कवि ने प्रयोग किया है, अनुप्रास अनुप्रास अलंकार है। और देखिए कवित छंद है इसमें, कवित। तो इसमें कवि ने एक बात और बताई है कि भागवत पुराण में सुदामा की पत्नी का नाम सुशीला है और यहाँ पर सुबुद्धि कहा है, क्योंकि सुबुद्धि इसलिए कहा है कि वो श्री कृष्ण मतलब श्री कृष्ण के पास जाने के लिए सुदामा को प्रेरित करती है, अपनी बुद्धि के बल पर उनको तैयार करती है कि आप वहाँ जाइए, श्री कृष्ण के शरण में जाइए, वो आपकी सारी गरीबी को दूर कर देंगे। इसीलिए उनका नाम यहाँ पर सुबुद्धि, यहाँ पर कवि ने सुबुद्धि रखा है, लेकिन उनका जो प्रॉपर जो नाम है वो क्या है? सुशीला था। अगले पद्य में देखिए, तो सुदामा की ज्ञान भरी बातों को सुनकर उसकी पत्नी उनसे क्या कहती है, उसी का वर्णन कवि ने किया है। कहते हैं, दानी बड़े तीनों लोकन में जग जीवत नाम सदा तिनको ले, दीनन को सुदिलेत भली विधि सिद्ध करो पिए मेरो मतोले, दीन दयाल के द्वार पर न जाओ सो और के द्वार पे दीन है बोले, श्री रघुनाथ से जाके हित सो तिहुपन क्यों कंस मांगत डोले, है ना। तो क्या कहते हैं, सुदामा की पत्नी कहने लगी, द्वारिका नाथ श्री कृष्ण तीनों लोकों में सबसे बड़े दानी है, उनसे बड़ा और कोई नहीं हो सकता है। दानी बड़े तिहुं लोकन में, मतलब तीनों लोक यानी पृथ्वी आकाश और पाताल, इन तीनों लोकों में सबसे बड़े अगर दानी है तो वो कौन है? भगवान श्री कृष्ण है। दानी बड़े तिहुं लोकन में जग जीवत नाम सदा जिनको ले, अर्थात पूरा जीवन पूरा संसार जिनको भजता रहता है, पूरा संसार जिनके नाम को
रटता रहता है वो सबसे बड़े दानी है। दीनन की सुधि लेत भली विधि सिद्ध करो पिए मेरो मतोले। वो क्या कहती है, सारा संसार उनका नाम स्मरण करता है और उनकी नाम स्मरण करके सारे कार्य करते हैं। वे दीन जनों की सुधि लेकर सब प्रकार से उनका दुख दूर करने वाले हैं। अर्थात दीन मतलब गरीबों की सुधि लेकर उनके उनके बारे में सोचकर उनकी उनका उद्धार करने के बारे में सोचकर, इसीलिए हे नाथ मेरी संपत्ति मानकर क्या कहती हो, दीनन की सुधि लेत भली विधि सिद्ध करो पिए मेरो मतोले। वो क्या कहती है, मेरी संपत्ति मानकर करके ही दीन की सुधि लेकर इस प्रकार उनका दुख दूर करने वाले हैं। इसीलिए हे नाथ मेरी संपत्ति मानकर अपने कार्य को सफल बनाए। अर्थात मेरी बात को मानकर आप अपने कार्य में सफल हो जाओगे। अर्थात मेरी बात को मान लीजिए। दीन दयाल के द्वार न जाओ सो और के द्वार पे दीन है बोले। क्या कहते हैं, दीन दयाल। दीन दयाल किसको कहते हैं, गरीबों के ऊपर दया करने वाले। अर्थात वो कहती है कि तुम दीन दयाल जो गरीबों पर दया करने वाले हैं उसके द्वार पे तो नहीं जा रहे हो, लेकिन उन लोगों के द्वार पे जा रहे हो जो लोग तुम्हें गरीब कहते हैं। अर्थात दूसरों के घर पे तो तुम मांगने के लिए चले जाते हो, लेकिन जो दीनों के ऊपर प्रसन्न होने वाले भगवान श्री कृष्ण हैं उनके पास क्यों नहीं जाते हैं। आप औरों के द्वार पर तो दीन बनकर ही याचना करने के लिए चले जाते हो, और परंतु दीनों पर दया करने वाले गरीबों पे दया करने वाले श्री कृष्ण के द्वार पर जाते हुए आपको संकोच हो रहा है। क्या कहती है वो, दीन दयाल के द्वार पर न जाओ सो और के द्वार पे दीन है बोले। श्री रघुनाथ जाके हित सो तिहुपन क्यों नहीं क्यों कर मांगत डोले। वो कहती है आप किस बात का संकोच कर रहे हैं, भला यदुनाथ श्री कृष्ण जिनके प्रिय मित्र हैं परम मित्र हैं उन्हें सारा जीवन भिक्षा मांगकर ही क्यों बिताना चाहिए। अर्थात जिसके भगवान जिसके मित्र हो जिनके साथ भगवान ने अध्ययन किया हो भगवान जिनकी कक्षा में पढ़े हो, अगर वो अगर इस प्रकार से गरीब होकर घर घर भीख मांगता फिरे तो इसमें ये कहाँ तक सही है। अर्थात श्री कृष्ण के मित्र होने पर उन्हें तो सुखी और संपन्न होना चाहिए, उसको तो किसी प्रकार की कमी नहीं होना चाहिए। कि जो दीनों पर कृपा करने वाले जो स्वामी हैं वही उनके खास परम मित्र हो, और वो उनका मित्र अगर इस प्रकार से गरीबी में जिए तो ये तो अच्छा नहीं हो सकता। इसीलिए उनकी पत्नी कहती है कि सुबुद्धि के इस परामर्श में लोक व्यवहार की पटुता है। दीन दयाल विशेषण का प्राय प्रयोग से परिष्कार अलंकार। यहाँ पर दीन दयाल मतलब यहाँ पर विशेषण का प्रयोग किया है। दीन दयाल भगवान को क्या कहा गया, दीन दयाल यानी दीनों पर दया करने वाले स्वामी भगवान श्री कृष्ण दीन दयाल। चलिए अगला देखिए, कोदो सवा जुरती भरी पेट न चाहती हो दधि दूत मिटोती शीत बितोती भयो सी आते ही हो हटती पे तुम्हें न हटोती जो जानती न हुई तू हरी सोतों में काहे को द्वारिका पहली पटोती या घरते कभो न गयो पिए टूटो सवा अरु फूटी कटोती। तो देखिए यहाँ पर पत्नी के बार बार कहने पर सुदामा जी की बात को सुनकर अपने घर की दीन दशा का वर्णन करते हुए कहते हैं, पत्नी के बार बार निवेदन करने पर जब सुदामा श्री कृष्ण के पास जाने के लिए प्रस्तुत नहीं होते हैं तैयार नहीं होते हैं तब सुदामा की पत्नी बड़े मार्मिक शब्दों में अपने घर की दीन दशा का चित्रण करती है। अपनी घर की दीन दशा का चित्रण करते हुए कहती है, क्या कहती है, कोंदो सवा जुरतो भरी पेट न चाहती हो दधी दूध मिटोती शीत बीतती भयो सिसियातही हो हटती पे तुम्हें न हटोती जो जानती न ही तू हरी सोत में काहे को द्वारिका पहली पटोती या घरते कभू न गयो पिए टूटो सवा अरु फूटो कटोती। वो क्या कहती है, हे स्वामी दूध दही और मिठाई की अभिलाषा नहीं है हमें, क्या नहीं चाहिए, दूध और दही की आशा हम नहीं करते भगवान से कि हमें दूध दही मिले खाने के लिए सब कुछ अच्छी चीज़ें मिले। यहाँ तो कोंदो और सवा
जैसे अन्न भी भरपेट प्राप्त नहीं होते, यहाँ तो चलो दूध दही तो दूर की बात है, लेकिन हमें सवा होता है घास, घास का की रोटी भी हमें प्राप्त नहीं हो रही, इतनी दीन दशा हमारी हो गई है। यदि बिना वस्त्रों के शीत में कांपती हुई शीतकाल के कष्ट को सहन कर लेती तो मैं तुमसे द्वारिका जाने की हट नहीं करती है। क्या कहती है वो कि बिना सर्दी के, अतः सर्दी के दिनों में भी हम फटे वस्त्रों में भी अगर शीत को सहन कर लेते तो तुम्हें द्वारिका जाने के लिए हम नहीं कहते, स्वयं ही अपना हट त्याग देती। और यदि मुझे ये ज्ञात नहीं होता कि आपके कृष्ण जैसे प्रिय मित्र हैं तो फिर किस लिए मैं आपको बरबस द्वारिका भेजती। वो क्या कहती है कि जब आपने ही बताया कि श्री कृष्ण आपके परम मित्र हैं और ऐसे बड़े दीन दयाल मित्र होने पर अगर आप गरीब रहें तो ये तो आपकी ही सबसे बड़ी गलती है, अगर मुझे ये पता नहीं होता तो मैं तुम्हें फिर भी द्वारिका नहीं भेजती। अर्थात ये मालूम होने पर भी श्री कृष्ण आपके मित्र हैं, आपसे द्वारिका जाने का आग्रह कर रही हूँ। हे प्राणनाथ, मैं इस घर की दीन दशा का वर्णन क्या करूँ। वो क्या कहती है कि इस घर की दीन दशा का और चित्रण क्या करूँ, क्या बताऊँ इस घर की दीन दशा क्या करूँ। इस घर में तो सदा टूटा तवा और फूटी कटौती है। क्या क्या है, टूटा हुआ तवा है, मतलब रोटी बनाने के लिए भी तवा भी सही ढंग का नहीं है, बर्तन भी हमारे पास कुछ भी नहीं है, खाने के लिए कुछ भी नहीं है, फूटी कटौती ही वास रहा है। इनके स्थान पर नया तवा और नई कटौती भी नहीं ली जा सकती। अर्थात हमारी इतनी दीन दशा है कि हमारे पास बर्तन भी नहीं है, खाने पकाने के बर्तन भी हमारे पास नहीं है, पहनने के लिए वस्त्र हमारे पास नहीं है, और इन सारी अगर इन सारी चीज़ों के से अगर हमारा काम चल जाता तो मैं तुम्हें कभी भी श्री कृष्ण के पास जाने के लिए नहीं कहती। और कहती है वो कि मैं अगर मुझे ये पता नहीं होता, आप ये मुझे ये नहीं बताते कि श्री कृष्ण आपके परम मित्र हैं तो भी मैं तुम्हें वहाँ जाने के लिए तैयार नहीं कहती, अर्थात वहाँ जाने के लिए तुम्हें कभी नहीं कहती है। तो देखिए अगले पद में, इसमें कवि ने सवैया छंद का प्रयोग किया है। छंद इसमें कौन सा है, सवैया, सवैया छंद का यहाँ पर एक सुंदर प्रयोग किया है, तथा अनुप्रास अलंकार है, तथा अनुप्रास अलंकार, सवैया छंद है, अनुप्रास अलंकार है, और एक साधारण व्यक्ति की दीन दशा का मार्मिक चित्रण है, गरीब गरीब परिवार का एक मार्मिक चित्रण यहाँ पर कवि ने किया है, सुदामा की गरीबी का मार्मिक चित्रण। चलिए भाई अगले में देखिए, नरोत्तम दास, इसमें सुदामा की पत्नी ने सुदामा को कृष्ण कृपा के बारे में बताया, तब सुदामा उससे कहने लगे कि चकवे चाकी रहे चकी, तेह तहाँ भूले से भूप तिनके गिनाऊं, देव गंधर्व और किन्नर जच से सांजली देखे खरे जिह ठाऊं, ते दरबार बिलो क्यों नहीं अब तो ही कहा बही के समझाऊं, रोकिए लोकन के मुखिया तह हो दुखिया कि मैं पेट न पाऊं। द्वारिकाधीश श्री कृष्ण के महलों के द्वार पर बड़े बड़े चक्रवर्ती राजागण आश्चर्य से चकित होकर खड़े रहते हैं। क्या कहते हैं सुदामा कि श्री कृष्ण के द्वार पर जाने की मेरी हिम्मत नहीं होती है, क्योंकि वहाँ पर तो बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राट राजा भी उनके द्वार पर खड़े ही रहते हैं, अर्थात वहाँ जाके देखते तो भी आश्चर्यचकित हो जाते हैं, तथा विस्मय से भूले हुए अनेक राजाओं को तो मैं संख्या कहाँ तक गिनाऊँ, अर्थात किन किन की संख्या, किन किन का नाम मैं तुझे बताऊं, चकबे चा की रहे चकी, ते तहा भूले भूप किले कितेक गिनाऊं, देव गंधर्व किन्नर जच से मांजलो देखे खरे जिह ठाऊं। अर्थात उस जगह पे तो क्या क्या होता है, अनेक चक्रवर्ती सम्राट राजा भी वहां पर, असंख्य राजाओं की संख्या वहां पर देखने को मिलती है, प्रातः से लेकर संध्या काल तक देव गंधर्व किन्नर आदि तो अपना स्थान पर खड़े ही रहते हैं, अर्थात कितने ही देवता लोग और कितने ही किन्नर, कितने ही गंधर्व वहाँ पर श्री कृष्ण के दर्शन करने के लिए, अर्थात उनसे मिलने के लिए खड़े रहते हैं। अरे तेने उनका दरबार तो देखा ही नहीं है,
फिर भला मैं तुझे किस प्रकार समझाने का प्रयास करूं, तूने तो ते दरबार बिलो क्यों नहीं, बिलो क्यों यानी देखा नहीं, तूने तो उनका दरबार दरबार नहीं देखा, उनकी सभा को नहीं देखा, अब तुझे किस तरह से समझाऊं मैं कि वहां की क्या कंडीशन है। अब तो ही कहा कही के समझाओ, वो कहते हैं कि तुझे कैसे समझाऊं, भला तुझे किस प्रकार समझाने का प्रयास करूं, वहां तो बड़े बड़े लोगों के स्वामी भी भीतर जाने से रोक दिए जाते हैं। क्या कहते हैं सुदामा, रोकिए लोकन के मुखिया तह ही दुखिया के मैं पेट न पाऊं। सुदामा कहते हैं कि वहां पर तो बड़े बड़े जो संसार के जो राजा लोग आते हैं, बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राट आते हैं, उनको भी गेट पर रोक दिया जाता है, दरवाजे पर रोक दिया जाता है, तो मेरी तो क्या औकात होगी वहां पर मैं जाकर के अंदर प्रवेश कर पाऊंगा। रोकिए लोकन के मुखिया तही दुखिया की मैं पेट न पाऊं। वो कहते हैं कि बड़े बड़े तीनों लोगों बड़े बड़े लोगों के स्वामी को वहां पर रोक दिए जाते हैं, तथा भला मैं दुखिया वहां कैसे प्रवेश पा सकूंगा, वहां कैसे जा सकता हूं। तो देखिए यहाँ पर द्वारिकाधीश श्री कृष्ण की महानता और श्रेष्ठता का यहाँ पर कवि चित्रण करते हैं। और एक गरीब ब्राह्मण का संकोच स्वाभाविक है, मतलब जो बड़ा व्यक्ति होता है, मान लो कोई भी है, उसके घर पे जाने पर वो गरीब आदमी किस तरह से वो संकोच करता है, किस तरह से उससे बात करने में उसको संकोच होता है, किस तरह से अपनी मुसीबत बताने में वो संकोच होता है, संकुचित होता है, उसी प्रकार से यहाँ पर सुदामा श्री कृष्ण अपने परम मित्र के पास भी जाने में किस प्रकार से हिचकिचा रहे हैं, किस प्रकार से गरीब ब्राह्मण की दीन दशा यहाँ पर चित्रित हो रही है। और इसमें कवि ने अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया है, कवि ने यहाँ पर अनुप्रास अलंकार का सुंदर प्रयोग किया। अलंकार कौन सा है, अनुप्रास, चलिए अगला देखिए। अगले पद में सुदामा की पत्नी सुदामा जी को श्री कृष्ण के पास जाने के लिए कहती हैं कि तुम उनके पास जाओ, मैं तुम्हें सहजता से पहचान लेंगे। और उनकी बात को सुनकर सुदामा जी क्या कहते हैं सुनिए, दीन दयाल को ऐसो ही द्वार है, दीनन की सुधि लेत सदा ही, द्रौपदी ते गजते प्रहलाद ते जानी परी न विलंब लगाई, या ही ते भावती मो मन दीनता जो निबही निबही जस आई, जो ब्रजराज सो प्रीति नहीं कहे काज सुरेश हूँ की ठकुराई। तो दीन दयाल भगवान श्री कृष्ण का ऐसा ही व्यवहार है, अर्थात वो क्या कहती है कि दीन दयाल को ऐसो ही द्वार है, द्वार यानी ऐसा ही उनका व्यवहार है, अर्थात किस प्रकार का व्यवहार है, जो उनके द्वार पर जाता है उसकी वे सुधि ले लेते हैं, अर्थात उससे पूछताछ करते हैं, उसकी समस्याओं को दूर कर देते हैं, उनकी परेशानियों को दूर कर देते हैं, उन्हें ही जैसे जिस प्रकार से किस प्रकार से दूर करते, देखिए द्रौपदी ते गजते प्रहलाद ते जानी परी न विलंब लगाई, जिस प्रकार से उन्होंने द्रौपदी गज और प्रहलाद की संकटकालीन स्थिति का बोध हुआ क्यों ही उनका उन्होंने उनको बचा लिया, अर्थात क्यों ही उन्होंने उनकी सहायता की और उसमें उन्होंने किंचित मात्र भी देर नहीं लगाई, अर्थात थोड़ी सी भी देर उन्होंने नहीं लगाई, तुरंत जैसे ही द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण को पुकारा और उन्होंने वहां पर चीर मतलब जो चीर हरण जहां पर द्रौपदी का किया जा रहा था तो उसको उन्होंने बढ़ा दिया, अर्थात उसकी लाज को बचा लिया। और देखिए गज गज जैसे ही भगवान को पुकारा और गज से भी मकर से उनकी रक्षा की। और देखिए और प्रहलाद प्रहलाद को भी जब उसके पिताजी ने जलने के लिए होलिका के दहन में अंदर रख दिया तो उसकी भी भगवान ने तुरंत उसको जब जब भी संकट आया तो उसको उसने उन्होंने बचा लिया, उन्होंने उसमें किंचित मात्र, अर्थात भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार से कभी भी देर नहीं करते हैं, वे विपत्ति में सहायता करते हैं, इसीलिए तो मुझे गरीबी अच्छी लगती है। सुदामा कहते हैं कि मनुष्य की जैसी स्थिति हो उससे तो वह निर्वाह होता है, और गरीबी और कष्ट में व्यक्ति भगवान को याद करता है। सुदामा जी यहाँ पर कितनी बढ़िया बात कहते हैं, क्या कहते हैं, याहि ते भावती तो मन दीनता जो निबही निबही जस आई, जो ब्रजराज सो प्रीति नहीं कही काज सुरेशं की ठकुराई। क्या कहते हैं वो
वो कहते हैं कि जैसी स्थिति होती वैसे ही निर्वाह होता है, भगवान के जो जितना किस्मत में जो लिख दिया है उसी की तरह उसकी ज़िंदगी चलती है। गरीबी और कष्ट में व्यक्ति भगवान को याद करता है। भगवान को कब याद करता है मनुष्य? जब उसके पास संकट आता है। जब वो सुखी रहता तब भगवान को याद नहीं करता। तो कहते हैं ना कि अगर मान लो हम सुखी हैं और सुख में अगर भगवान को स्मरण कर लेते हैं तो फिर हमें दुख किस बात का हो सकता है। तो यहाँ पर सुदामा जी क्या कहते हैं कि हर ये मनुष्य की स्वाभाविकता है कि वो कब ईश्वर को याद करता है, जब उसके ऊपर संकट आता है तो उसको भगवान ही याद आता है और कोई याद नहीं आता। वह कहना चाहते हैं कि जीवन का निर्वाह होना चाहिए, धनवान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो क्या कहते हैं कि मनुष्य को जीवन का निर्वाह होना चाहिए, जितना उसको पेट भर मिल रहा है, जितनी उसकी आवश्यकता है वो चीज़ उसको मिलना चाहिए। उसको धनवान होना कोई उसके लिए आवश्यक नहीं है। यदि कष्ट में ईश्वर का स्मरण होता है तो वह कष्टपूर्ण स्थिति ही अच्छी है। और इंद्र के कम से कम इस कष्ट के मारे भगवान को तो हम याद कर रहे हैं। अगर मान लो हमारे पास कष्ट नहीं होता तो हम भगवान को क्यों याद करते, अर्थात भगवान के पास क्यों जाते? तो वो कहते हैं समान स्वामित्व मिल जाने पर भगवान का स्मरण न रहे तो वो स्वामित्व किस काम का हो। क्या कहते हैं कि अगर मान लो हमें भगवान के पास जाने पर हमें स्वामित्व मिल जाए, हम बहुत बड़े आदमी बन जाएं और ईश्वर को अर्थात भगवान को भूल जाएं, तो फिर हमें भगवान के पास इस तरह की चीज़ें मांगने की कोई आवश्यकता अर्थात हमारा कोई हक नहीं है। जो ब्रजराज सो प्रीति नहीं, अर्थात ब्रजराज यानी भगवान श्री कृष्ण है ना, ब्रज के जो राजा हैं श्री कृष्ण है ना। वो कहते हैं कि जो ब्रजराज सो प्रीति नहीं के ही काज सुरेश हूँ की ठकुराई। मतलब भगवान को अगर मान लो हमें स्वामित्व मिल जाए, सारी चीज़ें हमारे पास उपलब्ध हो जाए और फिर अगर हम भगवान को ईश्वर को भूल जाएं तो फिर हमें उस चीज़ें प्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं, अर्थात फिर भगवान से हमें कुछ भी नहीं मांगना चाहिए। क्योंकि हमें सुख हो या दुख हो उसमें ईश्वर का स्मरण जरूर आना चाहिए, अर्थात भगवान हमारे अंतरात्मा में जरूर वास करना चाहिए। हमारे पास संकट की स्थिति हो या सुख की स्थिति हो, कैसी भी स्थिति में हो, हमें भगवान को कभी नहीं भूलना चाहिए। तो देखिए इसमें यहाँ पर कवि ने सुदामा जीवन में भगवान नाम के स्मरण की महत्वपूर्ण बताया है और काव्यलिंग अलंकार का यहाँ पर प्रयोग हुआ है। काव्यलिंग काव्यलिंग अलंकार का सुंदर प्रयोग। अगला देखिए, अगले पद में सुदामा अपनी दीन दशा का पर संतोष व्यक्त कर रहे हैं और उनके विचार में ये दयनीय स्थिति धन्य है कि सुबुद्धि हट में यहाँ पर अड़ी है और वह मार्मिक स्थल को कुरेद रही है, जहाँ जहाँ मतलब दर्द, मतलब मार्मिक यानी जहाँ दुख पहुँच सके उस चीज़ को वो बार बार कुरेद रही है और मानवीय स्थल को रहती है और उससे अत्यंत दीनता से कहती है साधनों के अभाव में यज्ञ आदि ना कर सके, अतः पितृगण भी हमसे असंतुष्ट हैं। अर्थात किस प्रकार से वो क्या अपनी दीन दशा का चित्रण करती है, कहती है फाटे पट टूटी छानी खायो भीख मांगे आनी बिना जग विमुख रहत देव पित्रही, वे है दीन बंधु दुखी देख के दयालय हैं, देखे कछु भलो सो जानती अग्नई है, द्वारिका लो जात पिए एते अलसात तुम काहे को लजात भय कौन सी विचित्रही, जो पे जन्म या दरिद्र की सतायो पे कोने काज आए कृपा निधि की मित्रई। वो कहती है सुदामा की पत्नी पुनः सुदामा को द्वारिका जाने का प्रबल आग्रह करती हुई क्या कहती है, देखो कहती है कि प्राणनाथ हमारे वस्त्र फट गए हैं, फाटे पट टूटी छानी खायो भीख मांगी आनी। वो क्या कहती है कि हमारे वस्त्र क्या हो चुके, फट गए हैं, छप्पर भी टूट गया है, अब तो जो हमारा जो छत है घर का वो भी टूट गया है ना, छप्पर भी टूट गया है, भीख मांग कर अब तक जीवन निर्वाह किया है। हमने क्या किया है पूरे जीवन में, भीख मांग करके ही अपना जीवन निर्वाह किया है। फाटे पट टूटी छानी खायो भीख मांगी आनी, अर्थात अभी तक हमने जीवन में भीख ही मांगी है, भीख मांग कर ही रहे हैं। भोजन के कारण यज्ञ भी नहीं किए गए हैं, क्या कहती है, बिना यज्ञ विमुख रहत देव पित्रहीन, अर्थात बिना भोजन के हमने कोई यज्ञ भी
नहीं किया था, शुभ कार्य भी हमारे घर के अंदर नहीं हुए हैं, और हमारे पितृगण भी अर्थात देवता भी हमसे असंतुष्ट रहते हैं, अर्थात उनको भी हम उनके भी हम भोग नहीं लगा सकते, अर्थात उनकी भी हम आराधना सही ढंग से नहीं कर पा रहे हैं। तो क्या कहती है, वह दीन बंधु दुखी देख के दयाल है। श्री कृष्ण तो दीनों के बंधु हैं, आपका दुख देखकर अवश्य ही आप पर दया करेंगे, यह मैं पहले से ही आप जानती हूँ कि आपको देखकर वे अवश्य ही कुछ प्रदान करेंगे। हे प्राणनाथ, द्वारिका लो जात पिए एते अलसात तुम हो। क्या कहती है वो, द्वारिका की ओर प्रस्थान करते हुए आप इतना आलस्य क्यों कर रहे हैं। क्या कहती है वो, द्वारिका लो जात पिए एते अलसात तुम, अर्थात द्वारिका जाने में इस प्रकार से आलस्य क्यों कर रहे हो, अर्थात तुम्हें जैसे श्री कृष्ण देखेंगे तुम्हें गले लगा लेंगे, ये मेरा पूरा विश्वास है। और द्वारिका के प्रस्थान करने में आपको आलस्य क्यों आ रहे हैं, वहां जाने में ऐसा क्या विचित्रता आपको लग रही है, जो पे काहे को लजात भय कौन सी विचित्र ही, अर्थात तुम्हें ऐसी कौन सी शर्म आ रही है, अर्थात कौन सी लज्जा तुम्हारे दिमाग के अंदर तुम्हारे मन के अंदर बैठी हुई, तो तुम वहां जाने से कतरा रहे हो, जिसके कारण आपको इतना संकोच हो रहा है। यदि सारा जीवन दरिद्रा के दुखों में ही कट जाएगा तो कृपा निधि श्री कृष्ण की मित्रता फिर किस काम आएगी, अर्थात तुमने जो बड़े अपने परम मित्र श्री कृष्ण के साथ अध्ययन किया था, उनसे मित्रता का जो फर्ज होता है वो तुम कब उसे निभा पाओगे। जापे सब जन्म या दरिद्र ही सतायो तोपे, अर्थात पूरा जन्म ही, अगर पूरा मानव जीवन तुम्हारा जो जीवन है जितना भी, वो सब अगर गरीबे में ही निकल जाएगा तो फिर ऐसी श्रेष्ठ मित्रता करने से क्या फायदा। कोने काज आई कृपा निधि की मित्रता ही, अर्थात वो तुम्हारे कृपा निधि श्री कृष्ण की जो मित्रता है वो कब काम आएगी, अर्थात उसको क्यों काम में नहीं लेना चाहते हो, अर्थात तुम वहां क्यों नहीं जाना चाहते, अर्थात तुम्हें उनसे किस प्रकार की शर्म तुम्हें महसूस हो रही है, तुम क्यों लज्जा महसूस कर रहे हो, और द्वारिका जाने में तुम्हें आलस्य क्यों आ रहे हैं, क्योंकि मेरा पूरा विश्वास है कि जैसे ही तुम श्री कृष्ण के पास जाओगे वो तुम्हें गले लगा लेंगे और तुम्हें कुछ ना कुछ जरूर देंगे, अर्थात तुम्हारी गरीबी को दूर कर देंगे, हमारी गरीबी को बिल्कुल दूर कर देंगे, जिससे हम हमारे घर में यज्ञ कर पाएंगे और हमारे पितृ देवताओं को भी हम उनके उनसे उन वस्तुओं से हम उनको संतुष्ट कर पाएंगे और हमारा जीवन भी सफल हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, सुबुद्धि दरिद्रता से बड़ा कोई दुख इस संसार में नहीं मानती। वो क्या कहती है कि दरिद्रता से बड़ा, गरीबी से बड़ा दुख इस संसार में और कोई सा भी दुख नहीं। सबसे बड़ा अगर दुख है तो वो कौन सा है, गरीबी। ये कौन कहती है, सुबुद्धि। और यहाँ पे अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है, कौन सा अलंकार है इसमें, अनुप्रास। अलंकार का प्रयोग किया है। तो देखिए अगले पद में सुदामा ने अपनी पत्नी से कहा था कि विपत्ति में मित्र के द्वार पर नहीं जाना चाहिए। क्या मित्रता का, वो बताते हैं कि विपत्ति में मित्र के द्वार पर नहीं जाना चाहिए। सुबुद्धि श्री कृष्ण का दयालु रूप का वर्णन कर उन्हें द्वारिका भेजने का प्रयास कर रही है। किस तरह की बातें उनको बार बार उनको जगाती है और बार बार कहती है। क्या कहती है, विप्र के भगत हरि जगत विदत बंधु लेत सब ही की सुधि ऐसे महादानी है, पड़े एक चटसार कहीं तुम कयो बार, लोचन अपार वे तुम्हें नहीं पहचानी है। एक दीन बंधु कृपा सिंधु फेर गुरु बंधु, तुम सम कौन दीन जाको जिए जानी है। नाम लेत चौगुनी गए हैं ते द्वार, सो गुनी सो देकत सहस गुनी प्रीत प्रभु मानी है। वो क्या कहती है, हे प्राणनाथ, सुदामा की पत्नी कहती है, हे प्राणनाथ, श्री कृष्ण ब्राह्मणों के भक्त हैं और दीनों के ऊपर प्रसन्न होने वाले हैं, अर्थात दीनों का पालन करने वाले हैं, ऐसा संसार में प्रसिद्ध हैं। वे ऐसे महादानी हैं जो सबकी सबकी शुद्धि को हर लेते हैं, अर्थात सबके दुखों को हरण कर लेते हैं। आपने ही तो अनेक बार कहा है कि हम दोनों एक ही पाठशाला में पढ़े हैं। क्या कहा उन्होंने कि आप ही ने तो बार बार कहते हो कि हम दोनों एक ही पाठशाला में पढ़े हैं और हमारे गुरु भी एक ही हैं।
ये विशाल नेत्र वाले श्री कृष्ण तो सारे संसार की गति को जानने वाले हैं, उनको सब पता है कि कौन गरीब है और कौन अमीर है, ये सब वो जानने वाले हैं। क्या वे तुम्हें नहीं पहचानेंगे? अतः तुम उनके साथ इतने समय तक तुमने समय गुजारा, वो तुम्हें भूल जाएंगे? ऐसा कभी नहीं हो सकता। एक तो श्री कृष्ण वैसे ही दीन दुखियों के हितैषी हैं, और उस पर भी आपके गुरु भाई हैं, आपके और उनके गुरु एक ही हैं, है ना, तो वो आपको तो भूल ही नहीं सकते। आपके समान भला उनके लिए और कौन दीन दुखी हो सकता है जिसे वे अपने हृदय में नहीं जानते जानेंगे? अपना नाम लेने से प्रभु चार गुना प्रेम मानते हैं, द्वार पर जाने से 100 गुनी निभाते हैं। अगर उनका नाम लो तो 4 गुना बढ़ जाता है उनका प्रेम, और अगर उनके द्वार पे चले गए तो बिल्कुल 100 गुना ही प्रेम बढ़ जाएगा, अर्थात तो तुम्हें बिल्कुल गले लगा लेंगे। आपको देखने पर तो 100 गुनों प्रीति प्रकट करेंगे। इस प्रकार से उनका प्रेम प्रकट होगा कि आप भी उसके बारे में नहीं सोच सकते। तो देखिए यहाँ पे सुबुद्धि अपने कथन के माध्यम से सटीक तर्क प्रस्तुत करती है, और अलंकार यहाँ पर जो है परिकर और सार लोकोक्ति का सुंदर यहाँ पर कवि ने चित्रण किया। तो आज के लिए यहाँ तक ही, कल हम अगली क्लास में पढ़ेंगे सुदामा के नरोत्तम दास जी के बचे हुए कुछ महत्वपूर्ण पद्य जो हमारे परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं।